नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आज 31 अगस्त 2021 वाला BSTC का पेपर दिया है उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए थे, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने प्रश्नों का मिलान भी कर सकते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये है नसीराबाद अजमेर में हुआ था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जल दुर्ग गागरौन झालावाड़ में स्थित है, ये बार बार आता है प्रश्न। इसके बाद में तीसरा प्रश्न था, मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये है मल्लीनाथ का जो मंदिर है ये पशुओं का, इसमें एक मेला लगता है मल्लीनाथ में और यह तलवाड़ा बाड़मेर में है। और इसके अलावा अगर टल्लीनाथ आ जाता था दोस्तों वो मेला जालौर में लगता है। इसके बाद में हम बात करें रानी सती का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था नारायण देवी और ये अलवर की थी। इसके बाद में राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है, तो ये राजसमंद झील के किनारे है और सबसे बड़ी विश्व की ये प्रशस्ति है। इसके बाद में दोस्तों छठा क्वेश्चन है, एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 100 टापुओं यानी कि 100 द्वीपों का शहर किस जिले को कहते हैं राजस्थान के, तो ये बांसवाड़ा जिला में इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके ये प्रश्न आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके भी ये क्वेश्चन आपके प्रश्न में आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आठवां है, राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है, तो व्हाइट सिटी के नाम से उदयपुर जिले को जाना जाता है। इसके बाद में नाइन्थ वाला जो ये क्वेश्चन है यह है कि 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से हैं, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कल्ला जी राठौड़ हैं। इसके बाद में मृत नदी किसे कहते हैं, तो गग्गर नदी को कहते हैं, आप सभी को पता है ये राजस्थान के उत्तर जो में बहती है। इसके बाद में लील टास किसकी रचना है, तो ये कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना है। इसके बाद में खसखस घास कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये है भरतपुर जिले में पाई जाती है। इसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 84 खंभों की छतरी है ये तो बूंदी जिले में है, अगर इसके स्थान पर 80 खंभों की छतरी आ जाती तो इसका जो आंसर होता वो होता अलवर जिला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है 14वां प्रश्न, बाटाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है, तो बाटाडू का जो कुआं है वो बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद में 15वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 52.1% है। और इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है वो है, पशु मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो परवरसर नागौर में लगता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, और यहाँ पर 56 का मैदान कहाँ है, और यह 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों इनके बीच में 56 जो गाँव हैं उनको 56 का मैदान कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए कहीं ना कहीं से इस प्रकार की अपडेट लेकर आते हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ का पितृहंता कौन है, तो राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। और यहाँ पर जो उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज सिंह को कहते हैं। इसके बाद में 20वें नंबर का प्रश्न है, स्थानीय जल दिवस कब मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान की जलपरी कौन है, तो राजस्थान की जलपरी की अगर हम बात करें तो रीमन दत्ता है। और दोस्तों अगर हम उड़नपरी की बात करें तो उड़नपरी कौन है, इसका राजस्थान की उड़नपरी हो जाएगी हमीदा बानो और जलपरी रीमा दत्ता हो जाएगी, ये भी आप सभी को याद रहना चाहिए। इसके बाद में राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो नरोत्तम लाल जोशी था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 23वें नंबर, झामर कोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नाथद्वारा राजसमंद जिले में है, ये यहाँ की पिछवाइये प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान वन नीति कब घोषित की गई, तो वन नीति और जल नीति आप ध्यान रखें इनमें कन्फ्यूज नहीं हो, राजस्थान की वन नीति और जल नीति ये 2010 में लागू की गई थी। इसके बाद में है दोस्तों, सिवाना दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था, और सिवाना आप सभी को पता ही है कि सिवाना तो है बाड़मेर जिले में, और जो बाड़मेर दुर्ग का निर्माणकर्ता था वो था नारायण पंवार। इसके बाद में 27वें नंबर का है, हवेलियों का शहर कौन सा है, तो हवेलियों के शहर के नाम से हम जैसलमेर को जानते हैं, इसे पीला शहर भी कहते हैं। इसके बाद में 28वें नंबर का प्रश्न है, गौर आभूषण स्त्रियों के कहाँ पहना जाता है, यानी कि जो गौर आभूषण है ये पश्चिमी राजस्थान की ज़्यादातर महिलाएं पहनती हैं और इसे कहाँ पर पहना जाता है, तो ये गौर जो आभूषण है इसे पैर के अंगूठे में पहना जाता है। इसके बाद में है, पार्वती सिंचाई योजना से कौन से जिले को लाभ अधिक मिलता है, तो पार्वती सिंचाई योजना से
धौलपुर जिले को अत्यधिक लाभ मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो भी प्रश्न आते रहेंगे क्रीम क्रीम वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी सक्सेस हों।